बुरहानपुर जिले में हिंदू संगठनों द्वारा कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की है कि दरअसल उज्जैन में खजूरी मस्जिद के सामने मुहर्रम के जुलूस के समय जिहादियों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद एवं देश विरोधी नारे लगाए गए। इस प्रकार के नारों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तथा मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, जिसके तहत कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने NSA लगाया है। परंतु वीडियो में उस समय 200 से अधिक जिहादी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि सभी देशद्रोहियों के विरुद्ध NSA लगाया जाए, ताकि उनकी समस्त संपत्ति को राजसात किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे नारे लगाने का दुस्साहस ना करे। नारे लगाए गए हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदू जागरण मंच और अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और NSA लगाया जाए सभी पे। क्या नाम है आपका, क्या बात है? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा संभाग अध्यक्ष दीपक ठाकुर। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी मात्र 4 लोगों के ऊपर NSA लगाई गई है उज्जैन में जो घटित हुई है घटना। हिंदू जागरण मंच और हिंदू महासभा की ये मांग है कि वहां पर वीडियो के अंदर 200 जिहादी जो दिख रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, सभी पे NSA लगाई जाए एवं सभी की संपत्तियों को राजसात किया जाए। अन्यथा ऐसे मामले और घटित होंगे और देश विरोधी गतिविधियां और देश में बढ़ेंगी। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।